सही है कंपटीशन भैया खुले करो वहाँ हरिद्वार से लेकर मेरठ तक करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी लास्ट अपने टोल पे आए जो कंकर खेड़ा ट्रॉलर गया तो भैया खुद डीजे वाले का हमें डीजे का बहुत ज्यादा शौक है हमें खुद ताबड़तोड़ मेहनत सुबह टेस्टिंग लो शाम टेस्टिंग लो दबा के ताबड़तोड़ रहेगी जी हले जहाँ पत्ती कहेगी वहाँ कंपटीशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई अभी नहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रात दिन नहीं सुबह भी अपने 2 घंटा टेस्टिंग लो शाम को भी लो तो ये सर जब तक का पार्टनर देंगे तब तक बजाएंगे भाई दबा के बिल्कुल मस्त वाला होना फिर होते हैं जी। वो भी लोग कह रहे भाई कैसे बजाते हो सेटअप भैया हमारे लड़के गेन यू नहीं करते बस गेन फुल करके बजाते हैं। हमारे व्यूअर्स जो होते हैं वो जो है ना मोहित भाई वीडियो देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं भैया सभी भैया राहुल के भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो बिल्कुल बढ़ाओ आगे को तो अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तो भाई उससे पहले लेकिन जो भी चैनल पर नया हो ना बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि कांवड़ यात्रा के मेले में भी भाई ऐसे ऐसे आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे एकदम मजेदार वाले। और यहाँ पे हमारे साथ है मौजूद हमारे राजा और आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे इसमें जितनी भी बेस वगैरह सब लोड हो चुकी है आधे से ज्यादा प्लस यहाँ पे दिखा लेते हैं वाली गाड़ी में भी। तो ये जो गाड़ियाँ हैं ये सभी गाड़ियाँ अपनी लोडिंग की होने वाली उनमें लोड है वो। अच्छा आपने जो 6 टायर बोला तो 6 टायरा कुछ अलग है जनरेटर अगर हम लोग गिन लें तो इस बार एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 4 जनरेटर होंगे यहाँ पे हमारे रावण डीजे बिचरक पे। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है जो कि अभी टॉप्स वगैरह रेडी हो रही है और अगर टॉप्स की बात करें तो साइज वगैरह सब रेडी हो रहा है राहुल शरण डीजे ब्लॉग। तो भाई लोगों कांवड़ यात्रा की कंप्लीट तैयारी हो चुकी है सभी डीजे वालों की और जो है सब अपने सामान लोड करके अभी निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो उसी को दिखाने के लिए हम लोग आए हुए बिसरक और बिसरक में हम लोग आए हमारे रावण डीजे पे। तो अभी जो भाई हम लोग दिखाएंगे आपको कंप्लीट सेटअप आप लोग जैसे यहाँ पे जनरेटर वगैरह रेडी हो रहे हैं और कंप्लीट जो है हर तरीके से तैयारी चल रही है टॉप्स वगैरह की आगे रेडी हो रही है और प्लस मैं आप लोगों को बता दूं कि इधर हम दिखाएंगे दोनों गाड़ियां तीनों जो लोड हो रही है जितनी भी गाड़ियां सब लोड हो रही है वो सब दिखाएंगे। तो भाई लोगों हम लोग आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं काफी दूर दूर जाते रहते हैं हम लोग काफी दूर दूर घूम गए हैं और आप लोगों के प्यार सपोर्ट से हम लोग काफी दूर जाएंगे मगर अभी हम लोग आए हुए हमारे रावण डीजे बिसरक पे अभी जो हम लोग कंप्लीट बात करेंगे हमारे मोहित भैया से भी मगर उससे पहले हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा जो यहाँ पे सामान लोड हो रहा है तो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं वहाँ पे दिखाते हैं आपको जो तैयारी चल रही है और तैयारी के लिए बता दूं आपको वहाँ पे जो थोड़ी साउंड टेस्टिंग भी हो रही है टॉप्स वगैरह की वो भी दिखाएंगे थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है जो कि अभी टॉप्स वगैरह रेडी हो रही है और अगर टॉप्स की बात करें तो साइज वगैरह सब रेडी हो रहा है साउंड वगैरह टेस्ट हो रहा है यहाँ पे इनकी एक गाड़ी जिसका ये भी मतलब पूरी चेकिंग वगैरह चल रही है प्लस यहाँ पे दूसरी गाड़ी आई थी ये लोड हो चुकी है जो सामान जाना हमारा आना आई थी या फिर हो सकता है ऐसा कि ये कहीं से बुकिंग से आ रही हो प्लस ये हो जाता है हमारी मेन चीज जनरेटर की बात कर ले तो भाई ट्रोले पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जनरेटर ट्रोले पे नहीं सब नॉर्मल डीजे पे भी जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी जनरेटर अगर हम लोग गिन लें तो इस बार एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 4 जनरेटर होंगे यहाँ पे हमारे रावण डीजे बिचरक पे और ये जो है छोटी ट्रोली पे इन्होंने सेट करा हुआ बात करेंगे क्या ये इसी ट्रोली पे रहेंगे या फिर ये जैसे और जनरेटर चलते हैं वैसे रहेंगे और नॉर्मल जनरेटर से आप लोग देख सकते हैं बढ़िया हाई पावर हाई फंक्शन जो भी होगा इनके अंदर सब होगा और यहाँ पे हमारी जो है बाकी की गाड़ियाँ रेडी हो रही है आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे चाल निकला हुआ है जिसमें कि सामान लोड करा जा रहा है अपना बेस शॉप वगैरह सब और ये भी मैं दिखा दूँ सभी भाई लोग भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे HF के बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं ये सब जाल हो गया और ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बेस वगैरह लोड हो रही है और आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे इसमें जितनी भी बेस वगैरह सब लोड हो चुकी है आधे से ज़्यादा प्लस यहाँ पे दिखा लेते हैं वाली गाड़ी में भी। तो ये जो गाड़ियाँ हैं ये सभी गाड़ियाँ अपनी लोडिंग की होने वाली है और इसके बाद हम लोग अभी चलेंगे हमारे मोहित भाई के पास क्योंकि आज 17 तारीख है अभी हम लोग बात करेंगे कि इन लोग को कौन सी तारीख को निकलना है तो लेट को भाई उससे पहले लेकिन जो भी चैनल पर नया हो ना बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि कांवड़ यात्रा के मेले में भी भाई ऐसे ऐसे आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे एकदम मज़ेदार वाले। और यहाँ पे हमारे साथ है मौजूद हमारे राजा भाई 200 DJ व्लॉग्स कैसे हो राजा भाई बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। तो भाई देखो राजा भाई ने अपने चैनल पे जो है अपलोडिंग चालू कर दी है तो बढ़िया तरीके से राजा भाई को प्यार और सपोर्ट दो। राजा भाई कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल ये जो व्लॉग है ना रावण डीजे का ये भी मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल प्यार दिखाइएगा बिल्कुल चैनल को जी भाई को सपोर्ट करिए बिल्कुल ये वाला व्लॉग भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग अभी अंदर चलते हैं राजा भाई ठीक है लेट्स गो। सो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे मोहित भाई के पास। तो मोहित भाई जय श्री राम पहले तो आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया भैया जय श्री राम। और बताइए क्या चल रहा है? बस जी तैयारी चल रही है कांवड़ यात्रा की बढ़िया वाली तैयारी हो रही है गाड़ी लोड हो रही है गाड़ियाँ लोड हो रही है। हाँ अच्छा मैंने जो है ना अभी वीडियो में दिखाया अपने सभी भाई लोगों को जो गाड़ी जो है ना मतलब 3-4 है यहाँ पे एक जो है कवर भी हुई हुई है और प्लस कुछ में जो है सामान लोड हो रहा है तो ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है सारी गाड़ी जाएंगी आपकी या कुछ कम जाएंगी? नहीं ये दो जो गाड़ी है दो तो 10-10 की हमारी कांवड़ यात्रा बुक है। अच्छा दो 10-10 की गाड़ी अलग से बुक है ठीक है दो गाड़ी अलग से बुक है वो तैयार हो रही है
बाकी जो हमारा वो सामान है वो नई गाड़ी जो मैं लेकर आया हूँ नई गाड़ी जी हाँ उन्होंने लोड है वो सामान। अच्छा आपने जो छह टायरा बोला तो छह टायरा कुछ अलग है या पहले जैसी हाँ, है? लोड ज्यादा ले लेती है उसमें। अच्छा, लोड ज्यादा ले लेती है 20-20 लगा दो 24 लगा दो। अच्छा पहले जो थी वो चार टायर रहती पहले चार टायर थे टायर भी सिंगल टायर वजन ओवरलोड होता है। अच्छा टायर कभी भी टायर फट जाता है। ओहो हमारे पिछले साल एक गाड़ी पलटी भी गई थी इस कारण ही। अच्छा हाँ इसलिए हम दो डबल टायर ले गए। तो जो मतलब इसी हाँ बताइए मेले के लिए ले गए इसमें छठे रहा जो नुकसान ना हो। ठीक 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 बढ़िया। मतलब अभी ली थी देखिए भैया ने कांग्रेचुलेशन आपको अपनी नई गाड़ी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी भाई लोगों की और सभी कांग्रेचुलेशन आपको नई गाड़ी धन्यवाद सभी भैया को। और हम चाहेंगे कि आप जो है ऐसे ही करके गाड़ी लेते रहे 10-20 गाड़ी बनती रहे अपनी भैया को साथ चाहिए बिल्कुल भगवान की दुआ से हर साल निकाले गाड़ी जी। अच्छा अभी जो है ना हमने देखा यहाँ पे आपने जो जनरेटर्स वगैरह भी अपने रेडी करे हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास 4 जनरेटर होने वाले हैं तो 4 जनरेटर्स के पीछे कुछ रीज़न है या फिर कुछ लोड का इशू रहता है या क्या रहता है मतलब पूरी तैयारी करके चल रहे हो कि एक भी चीज़ में कमी ना रहे। हाँ जी यही तो है बस कमी नहीं रहने देंगे किसी काम में भी जो काम कर रहे हैं भाई 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं 2 महीने हाँ आज ऐसा 16 तारीख है ना जी 17 तारीख है आज 17 है तो लगा लो आज हमें 2 महीने हो गए पूरे 2 महीने हो गए काम करते करते। अच्छा 2 महीने हम यहीं पे होते हैं जी सब पब्लिक को बता भी मैं लाइव आ जाता हूँ कभी कभी बिल्कुल हम भी देखते रहते हैं लाइव जी। तो जनरेटर का जो है तो एक जो एक जनरेटर हमारा जो लाइट है लगेंगी डीजे पे। अच्छा शार्पी हाँ, लाइट्स का हाँ, एक जनरेटर तो उसके लिए प्रॉपर वो केवल लाइट ही चलाएगा चलो कंप्लीट एक जनरेटर जो है लाइट्स पे ही रहने वाला है। लाइट्स पे रहने वाला है ठीक है। बाकी जो 3 जनरेटर हमारे 125-125 के जी वो हम सेटअप चलाएंगे उस पर अपना खाली साउंड सेटअप। हाँ कभी ऐसा होता है कि हम एक जनरेटर पे ज्यादा लोड कर देते हैं एक पे कम हम तीनों पे इक्वल रखेंगे जो जनरेटर पे लोड ना पड़े और हमारा सेट जो जो प्रेशर पड़ता है जी वो अपना तकड़ा पड़े। जनरेटर का काफी अहम रोल रहता है इस बीच में क्योंकि जो जनरेटर्स होते हैं ना अपने क्योंकि मेरे को बताया था कि कुछ ऐसा प्रेशर का जो हिसाब होता है ना लोड पड़ता है ऐसे प्रेशर एकदम से आना चालू हुआ तो जनरेटर पे लोड बढ़ना चालू होता है नॉर्मल चलेगा तो जनरेटर भी नॉर्मल चलेगा प्रेशर भी अच्छा आएगा अपना जनरेटर भी फ्री चलेगा कभी। इसलिए हम लेके जा रहे हैं 4 जनरेटर हमारे ट्रोला पर रहेंगे 1 जनरेटर हम और एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं जी भाई काफी होता है वो मतलब 62 का है वो जनरेटर भी 4 अच्छा वो तो, लाइट्स पे रहेगा हाँ वेल्डिंग पेल्डिंग काम होएगा वो करेगा। अच्छा अच्छा हाँ भाई लड़कों के लिए जी लोडने बैठने के लिए पंखा कूलर चलने के लिए एक जनरेटर उनके लिए भी चाहिए जी। इसलिए अभी टेस्टिंग चल रही है कंप्लीट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर टॉप वगैरह भी रेडी हो रही है टॉप रेड हो रही है जो दो गाड़ी हमारी 22 तारीख में निकलेंगे 2 गाड़ी 10-10 बीस वाली 22 तारीख में निकले 22 तारीख में निकले तो गाड़ी के लिए रेडी हो रही है ये गाड़ी के लिए रेडी हो रही है जो अपना ट्रोले का हिसाब है वो सारा कुछ ट्रोला का कंप्लीट है अधिकतर गाड़ी लोड हो चुकी है सारी जनरेटर भी हमने कल लोड करा दिए थे जी बाहर रखे हैं वो भी। अच्छा जनरेटर भी हाँ तो अभी अगर मैं बात कर लूँ भैया आप लोग कब तक निकलने का सोचा है क्योंकि 17 तारीख ऑलमोस्ट हो चुकी है मेरे ख्याल में क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी काफ़ी टाइम लगता है सेटअप लगाने में और जगह ढूंढने भी आई थिंक लगता है टाइम ये जगह ऑलरेडी सेट होती है अपनी कि इस जगह रहेंगे ना जगह तो हमारी डन हो चुकी है डन हो चुकी है जगह तो ठीक है हमारी जी बाकी हम कल मॉर्निंग में मतलब 11 या 12 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा मतलब 18 तारीख को निकलने का प्लान है 18 तारीख की शाम को पहुँचेंगे हाँ, तो जैसे आप लोग पहुंचते हैं तो भैया कुछ रेस्ट वगैरह करते हैं या कंप्लीट उसी दिन से आप सेटअप लगाना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं पहले पहुंचेंगे वहाँ पे पहले व्यवस्था देखेंगे भाई जगह जो हम देख आए हैं जी वहाँ पे सुविधा देते तो सब है ट्रॉल आ जाए फिर गाटर वेल्ड कराने हमें। अच्छा 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 चले तो मजबूती लेनी है ना नीचे से गाटर वेल्डिंग सब चीज हो गए तब उसके बाद बेस उस पर रखी जाएंगी। ओके हाँ तो मतलब उस दौरान कितना टाइम लग जाता है सेटअप लगने में? सेटअप तो अगर पूरा सेटअप रेडी होता है तो मान के चलो 4 दिन तो लगेंगे भाई 4 दिन हाँ। यानी कि अगर हमारे भाई लोग चाहते हो टेस्टिंग वगैरह सुनना तो वो ऑलमोस्ट 23-24 तारीख में पहुंच सकते हैं। हाँ तो टेस्टिंग हमें उसकी 24 या 25 तारीख में टेस्टिंग 24 या 25 में टेस्टिंग मिल जाएगी अपने सेटअप की। अच्छा मैं एक चीज़ और पूछ चाहूँगा जैसा कि सभी जो है अपने भाई वाले बिल्कुल प्रशासन के अनुसार चल रहे हैं तो क्या आपके पास भी कुछ नोटिस वगैरह आया प्रशासन से? हाँ मेरे पास जो कल ही आया है मेरठ से नोटिस जी तो भैया जो प्रशासन की गाइडलाइन है उन्हीं के अनुसार चलेंगे उन्हीं के अनुसार चला जाएगा ठीक है जैसे सब डीजे वाले चलेंगे जैसे प्रशासन का आदेश है प्रशासन का आदेश बिल्कुल बिल्कुल देखिए प्रशासन के साथ रहेंगे क्योंकि इतना मेहनत करते हैं इतना सहयोग करते हैं वो सारी व्यवस्था बनाते हैं कंप्लीट तो पुलिस वालों का बड़े प्रशासन का बहुत सहयोग है कावड़ यात्रा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए हम लोग सभी से रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन के अनुसार ही चले। अच्छा अभी जो है मैं एक मेन बात कर लेता हूँ कि अभी जो है अपनी तैयारी किस तरीके से होने वाली है कि माइंड में क्या सोचा हुआ है कि इस बार मेले में धूम मचानी है सबका देखिए सब तो रहे बढ़िया रहेंगे सभी का सेटअप बढ़िया है सब पूरी तैयारी कर रहे हैं तो आपने कुछ स्पेशल तैयारी भी करी है? देखिए आपने जो प्लाई भी बिल्कुल अलग ही रेडी करी है ब्रिज प्लाई जिसे कहते हैं ठीक है ऑलमोस्ट बाहर की प्लाई है उसको लेकर के आपने काफ़ी तैयारी करी है तो मतलब क्या सोचा है इस बार?
सोचा तो तगड़ा तरीके ये भाई जो जिस हिसाब से 2 महीने से हम लग रहे हैं, तो हम खुद ही चाहते हैं हमारा सेटअप बेस्ट से बेस्ट रहे, बिल्कुल ना कि हम कोई कंपटीशन करें, पर अपना चाहते हैं हम अपना जो डीजे का सेटअप हमने 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम अपना बेस्ट देंगे, अपना बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट। हाँ ठीक है, अभी पब्लिक को एंजॉय आना चाहिए पूरा, कहना मतलब ये है अच्छा। जो जितनी पब्लिक राउंड डीजे को वहाँ देखने जा रही है और भी है जी, मतलब बेस्ट हो, बेस्ट हो, सुन के लगे कि हाँ भाई तैयारी आई है, मतलब फल मिला है हमको 2 महीने का, 6 साल बाद आ रहे हैं ऑलमोस्ट, 2018 के बाद, 18 के बाद अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, तो उस हिसाब से भी काफी तगड़ी तैयारी होगी। हाँ जी तैयारी पूरी है, नहीं है हल्के में तैयारी, बहुत मजबूत तरीके से, मजबूत वाली है हर चीज में, बेस में लो, आवाज में लो, किसी भी चीज में लो, किसी में, चलिए बढ़िया है। और लाइटिंग में भी मैं बता दूं बिल्कुल अलग होने वाला है लाइटिंग का भी। हाँ जी लाइटिंग का भी जो है वो एक अलग ही सेटअप है जी, कुछ चीज नहीं मिलेगी देखने को। अच्छा अच्छा हाँ। एक चीज पूछता हूँ मैं, जैसा कि आप लोग ट्रोले के लिए रेडी करते हो वहाँ जाके, तो आप लोग कुछ पहले ही प्रिपेयर करके रखते हो अपने पास, क्या ट्रोले का जो सेटअप है हमने एक मैप बना लिया है, हमें अकॉर्डिंग काम करना है, या वहीं जा करके सेट होता है कि क्या चीज कहाँ लगेगी? जो हमने नई बेस बनाई है ये उसी हिसाब से बनाई है कि ट्रोल में हमें नीचे क्या लगानी है, दूसरे नंबर पे क्या, तीसरे पे क्या, अच्छा। उस हिसाब के अकॉर्डिंग हम पहले ही लेके चले हैं चीज, पहले ही चीज, हाँ। मतलब ये वहाँ सारा सामान जो गाड़ियों में लोड हो रहा है वो उसी वजह से हो रहा है का आगे वो बेस रखो जो सबसे ऊपर लगनी है जी, नीचे वो बेस रखो जो पीछे का वो जो ट्रोला पे नीचे लगेंगी, बिल्कुल हाँ अच्छा, तो वो लेके चल रहे हैं सब चीज जी। एक एक चीज बड़ी बारीकी से है, टॉप हाँ लाइनर कैसे लगने हैं, एम्पलीफायर भी सब, हर गाड़ी में अलग अलग माल है। अच्छा मतलब हर चीज पे जो है ना बारीकी से ध्यान दिया गया है उसमें, चाहे कोई भी चीज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पे, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारा रावण डीजे जो है, हाँ जी वो हमारे सभी डीजे वाले भाइयों जो हमारे पब्लिक पहुंचेगी उन सभी को कुछ मैसेज देना चाहते हो? भैया मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी भैया जाएं डीजे देखने, 2 महीने की हमारी मेहनत है, उसका फल जरूर हमें मिलना चाहिए, बिल्कुल देखने जाएगा डीजे भैया, भाई ने ब्रिज प्लाई लगाई है, कुछ नया सामान लगाया है, बिल्कुल किस हिसाब का भैया वो प्ले होता है, सही बात है। और अच्छा यदि मैं ऑपरेटिंग की बात कर लूँ, तो अपना ऑपरेटिंग में कौन रहने वाले हैं, या वहीं जाके रिवील होगा, ये सब क्या मतलब? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने कोई छुपाव नहीं करा किसी से, जो चीज़ है सबके सामने खुली है जी। हम भैया ना चीज आती है दिखाएंगे वो लाएंगे, जो चीज़ है सबके सामने। अच्छा हाँ तो हम भैया मिनीटोन का पूरा मिनीटोन जी आए थे भी, मोहन भाई आए थे, सब चीज़ खुली है, मिनीटोन का पूरा सेटअप है जी, और सब मतलब पूरा सेटअप ही मिनीटोन का है जो लेकर जा रहे हैं। अच्छा तो ये जो आप मिनीटोन आप बता रहे हो मिनीटोन का सेटअप है, तो क्या आप ये पहले से सेटअप यूज़ कर रहे हो या आपने इस बार ही स्विच करा है इस पे? मैंने राहुल भाई 2016 से ही मिनीटोन चलाता हूँ, आज तक भी मिनीटोन। अच्छा 2016 से आप मिनीटोन यूज़ कर रहे हो? हाँ मैंने इसका कोई ना तो कोई लोकल स्पीकर ना कुछ कंपनी का कोई, वैसे मिनीटोन का चलाता हूँ, मिनीटोन का सरदार जी का, सरदार जी का ही, मतलब बेस्ट लगता है आपको? बेस्ट लगता है मुझे वो, उसके बेस की भी क्वालिटी निकल के आती है। अच्छा अच्छा ये भी अगर कोई डीजे वाला होगा तो अगर नोटिस करेगा तो एक बार कंपनी के, और उसमें बहुत अंतर पड़ता है, बहुत अंतर पड़ता है जी। तो जी बताइए अब क्या बेस का प्रेशर भाई, किसी का हार्ड होता है किसी का कोई क्वालिटी होती है जी, तो इसमें क्वालिटी नजर आती है तभी हम मिनीटोन से जुड़े हुए भाई। अच्छा 2016 से ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं मिनीटोन से। तो अपना जैसे बेस में आपने बताया तो कि हमें लाइनर्स वगैरह हो गए, टॉप्स वगैरह हो गए, सब में मिनीटोन यूज करा हुआ है? हाँ जी सब में मिनीटोन। अच्छा टोटल मतलब टोटल, देखिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात है, कोई हमारा नया जो भाई है डीजे काम स्टार्ट करना चाहते हो या कुछ भी किसी भी तरीके से हो, अगर वो चाहते हो एक बार मिनीटोन सुनना किस तरीके का मिनीटोन है, तो एक बार जरूर आके राउंड डीजे बिजनेस सुन सकता है, और चाहे तो मोहित भाई से खुद बात कर सकता है, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी अब तो मैंने अपना मतलब जो बेस का वर्क है मैंने खुद का कर लिया अपना, मैन्युफैक्चरिंग का जो है रावण डीजे प्रोडक्शन, रावण डीजे प्रोडक्शन हाँ जी, वो हरिद्वार करके आएंगे, उसके बाद एक इंटरव्यू उड़ देंगे आपको, बिल्कुल उसमें बताएंगे आपको। तो बेस का टॉप का लाइनर का कैबिनेट कोई भी अगर डीजे से रिलेटेड बनवाना चाहता हो बिल्कुल, तो वो हमें संपर्क करें, संपर्क कर सकता है। देखिए कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो एक बार पहले सुन ले, कोई ऐसी बात नहीं है, 2024 का कावड़ यात्रा का मेला है, काफी बड़ा मेला है, अपना आराम से सुनो, जब तक सुनना है 6-7 दिन आराम से सुनो, फिर उसके बाद आप बिल्कुल मोहित भाई के पास आ सकते हैं। हम तो भैया खुद डीजे वाले का, हमें डीजे का बहुत ज्यादा शौक है, हमें खुद ताबड़तोड़ मेहनत, सुबह टेस्टिंग लो शाम टेस्टिंग लो, दबा के ताबड़तोड़ रहेगी जी, हल्का में नहीं है, रुक जाओ पब्लिक, क्यों डीजे ले भैया 2000 लीटर जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, 2000 मतलब पूरा वाला होने वाला है, पूरा खुल के दबा, सुबह भी अपने 2 घंटा टेस्टिंग लो, शाम को भी लो, प्रेशर जब तक का पार्ट न देंगे तब तक बजाएंगे भाई दबा के, बिल्कुल मस्त वाला होने वाला है। भोले की बारात में जा रहे हैं तो सेटअप दब के बजने चाहिए, कंजूसी का काम 1% नहीं है जो हम करेंगे, नाम है लगता हो स्पीकर है कुको या 10 फुक जाओ, कोई अंतर नहीं हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लेके जा रहे हैं मजबूत तरीके से लेके जा रहे हैं, और हमने तो पहले बोल दिया वीडियो में भैया हरिद्वार से लेकर मेरठ तक ही ताबड़तोड़ लटका देंगे,
हल्का फुल्का का कोई हमारा ऐसा नहीं है। अच्छा। ना हम अभी टाटन बजाते, हमारे लड़का इतने टाटन सामान फूक दें। राहुल भाई एक सीजन में देखूँ तो अगर नवंबर से लेके अगर हम बारात का प्रोग्राम अब मई जून तक रहता है, जिससे मतलब का स्पीकर मेरे जहाँ बनते हैं मतलब रिपेयर होते हैं जी। वो भी लोग कह रहे भाई कैसे बजाते हो सेटअप। मैंने भैया हमारे लड़के गेन यूँ नहीं कर, बस गेन फुल करके बजाते हैं। अच्छा। तो मन की बांधे जा मन की तो क्या बस। अच्छा। तो कावड़ तोड़ी रहेगा कावड़ यात्रा में भी, जिस हिसाब से मेहनत है इस हिसाब से भैया फल हमें पब्लिक बताई सेटअप किस हिसाब का बजाओ किस का। बिल्कुल। और बाकी सभी अपने भाई हैं, पूरा सपोर्ट है हमारी तरफ से भी और भैया की तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से भी पूरा सपोर्ट होना चाहिए। रावण डीजे भैया, रावण डीजे के लिए पूरा अपने सपोर्ट में रहे भैया। और कंपटीशन देखो, कंपटीशन की बात कंपटीशन है, पब्लिक को मजा आना चाहिए, जहाँ पब्लिक चाहिए वहाँ कंपटीशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई अभी नहीं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रात दिन नहीं, सुबह मिलते हो सुबह, शाम मिलते हो शाम, दोपहर मिलते हो दोपहर, जहाँ कोई मिल जाए भैया सबके लिए तैयार है। बिल्कुल भाई, पब्लिक कर रही है, पब्लिक क्या जाए, पब्लिक ही तो वहाँ पे देखने जाएगी डीजे को। ज्यादा जिसके साथ जो पार्टी जा रही है वो कहती मेरा बेस्ट मेरा बेस्ट, तो सबके जिसने अब डीजे बुक कर रखे हैं पार्टी वालों ने तो उनके लिए तो वही डीजे बेस्ट है जब उन्होंने बुक कर लिया वो। सही बात है, पता तो जब पता पड़ेगी तो मैदान में खुल के बजेंगे। बिल्कुल सही भाई, वो चीज़ कौन बताएगा, वो चीज़ है पब्लिक जो हमारी इतनी सारी पब्लिक दूर दूर से लोग बाग आएंगे जी, वो देखेंगे भाई सेटअप में क्या है, बेस क्या है, आवाज़ क्या है, तो तभी पता पड़ेगा भाई सेटअप किसका मजबूत था, किसकी कैसी तैयारी रही। तैयारी तो सभी करके जा रहे हैं, सब बोलते हैं, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। 8 साल से पहले वो सभी बोलते हैं, कुछ नया असलार कुछ पुराना असलार सब चीज लेके जा रहे हैं। हम बोलते हैं 24 की अब से 24 में जो कावड़ यात्रा जा रही है पिछले 10 साल में अब तक ऐसा नहीं है जो सामान डीजे वाले एक नंबर लेके जा रहे हो, अब पता पड़ेगा रिजल्ट किसका बेस्ट है। अच्छा भाई, अब से पहले तो मैं किसने बनाया ना नया सामान पूरा कम्प्लीट। बिल्कुल। अब सुनने हमारी का अधिकतर मोस्टली सभी डीजे वाले भी है नया सामान बना रेडी कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं जी। कोई भी डीजे वाला देख लो, सब डीजे वाले भैया को पता होगी। बिल्कुल ऐसे ही कह रहा है, नहीं कह रहा जी, हम तो भैया जो बात है खुली दिल सफा है मन कतई, ऐसे नहीं है कोई कह रहा पापी मन है वो नहीं है, खुला है जो सबके लिए वो ऐसी है, खुल के बोलते हैं भाई, किसी से कोई दबने की बात नहीं है, किसी को बुरे लग जाओ तो उसके लिए भैया माफी है, बड़ी बोल भाईचारा सबसे। बिल्कुल मेन चीज है, जो पब्लिक भाई देखने जाए, रावण डीजे देखने जाओ या कोई अन्य डीजे देखने जाओ, भोले बारात में मजा आना चाहिए। मजा आना, सही बात है, सब अपने भाई है, कोई ऐसी वाली बात नहीं। हाँ भैया चाह रहा भैया सबसे कोई दिक्कत ना, किसी को राडवीर थोड़ी है, पार्टी है सब एंजॉय करने के लिए। जा रहे कौन लेके जा, भोले की बारात है तो वो बारात में भैया नौ चुकाया जावे, 6-7 दिन का मेला एंजॉय करो, इसी बीच कंपटीशन देखो। हाँ कंपटीशन भैया खुले करो, वहाँ से हरिद्वार से लेकर मेढ़ तक करता हो। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी लास्ट अपने टोल पे जो कंकर खेड़ा ट्रॉलर रुकेगा वहाँ देखो तब ताबड़तोड़ मेहनत। बिल्कुल सही बात है। हाँ चलिए मोहित भैया, आपने काफी कुछ बताया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और काफी कुछ मतलब आपने बताया कॉम्पिटिशन। यहाँ खुली किताब है, यहाँ कोई वैसे नहीं है, नॉम पे इतना हुआ जो बोलते हैं मन से बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। सही बात है। हाँ किसी के लिए वैसे नहीं है भाई, मन वैसे हो गए खुला मन है भैया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हम जो है ना ये एक बात हमारे सब्सक्राइबर से भी कहना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स जो होते हैं वो जो है ना मोहित भाई वीडियो देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भैया सभी भैया राहुल के भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल बढ़ाओ आगे को, अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया। यही नहीं कावड़ मेले में भी पूरी अपडेट मिलेगी भाई के चैनल पे। बिल्कुल, और भी हमारे भाई है जो देंगे अपडेट, लेकिन बिल्कुल बढ़िया से सब्सक्राइब करो, लाइक सब्सक्राइब सब ठोको दबा के, और अभी तो आप तक भैया अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचेंगी। बिल्कुल सही बात है, एक इंटरव्यू हमारा आने कावड़ आने के बाद देंगे भाई को फिर एक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए बहुत बहुत अभी से धन्यवाद है मोहित भाई। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ मोहित भाई का भी हमारा चैनल है, जो भी हमारे भाई ऑलरेडी भैया के सब्सक्राइबर है अच्छे खासे, भाई तो जरूरत भी नहीं है बोलने की, लेकिन रावण डीजे मिश्रक के नाम से यूट्यूब चैनल है जिसपे भैया भी अपडेट डालते हैं, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए करके रखिएगा। ठीक है मोहित भैया, ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम सभी भाइयों को भी।